तो ये एक आगाज है आज से लेकर बजट पेश होने तक और उसके बाद उसकी इम्पैक्ट, इन सब का सबसे सटीक विश्लेषण हमेशा की तरह आप जी बिजनेस पर देखेंगे। और विवेक, हमारी कोशिश भी यही है कि हम हर पहलू से इस बजट को देखें, ना सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाए, क्योंकि आज की तरह बजट हर आदमी से जुड़ा हुआ है, हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। और साथ ही आई थिंक दुनिया भर में शायद इस बजट का इंतजार हो रहा होगा, इस लिहाज से कि दो बड़े रिफॉर्म्स के बाद अब भारतीय सरकार क्या करती है। और ये एक बहुत, आपने जैसे राइटली कहा मिहिर, एक इम्पॉर्टेंट बजट है, लेकिन एक बहुत डिफिकल्ट बजट भी है सरकार के लिए। कुछ रीजंस तो आपने दिए, क्योंकि नेक्स्ट विल बी द इलेक्शंस, लेकिन इस बार कुछ हद तक हाथ थोड़े बंधे हुए हैं, क्योंकि जीएसटी इज स्टिल इन द टीडिंग स्टेजेस। अभी किस तरह से उसमें लिफ्ट ऑफ होगा वो अगले साल आएगा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जितनी उम्मीद थी डिमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ेंगी, उतनी नहीं बढ़ी है, इट्स जस्ट द स्टैंडर्ड। लेकिन उम्मीद यह है कि अगले साल जो रेवेन्यू रिसीट्स होंगी बढ़ेंगी, क्योंकि जितने नोट्स गए हैं लोगों को, जो कलेक्शंस अब होंगी उसके बाद वो अगले साल ही आएंगी। तो एक तरफ एक्सपेंडिचर करना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए, और दूसरी तरफ पैसे हैं नहीं। और फिस्क को लेकर जो कंसर्न है, क्योंकि 112% ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या वित्त मंत्री जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था उसको मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं? मेरे ख्याल से ज्यादा नजर उस एक आंकड़े पर रहेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा मूडीज का अपग्रेड हुआ। अगर ये नहीं, इसको ये मीट कर पाए, और कैसे मीट करेंगे, ये मेरे ख्याल से जो है सारा डिस्कशन का पॉइंट है। तो टफ बजट है और ये रियल टेस्ट होगा इस गवर्नमेंट का। बिल्कुल, ये मतलब जो इनका कमिटमेंट है आई थिंक रिफॉर्म्स के प्रति, और एक प्रोग्रेसिव सरकार के तौर पर, एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के तौर पर उसका सब स्टेटमेंट होगा ये। तो इसे हम सिर्फ एक बही खाते के तौर पे ना देखें जिसमें इनकम कितनी हुई और एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका लेखा जोखा सरकार देगी। ये आई थिंक एक रोड मैप क्रिएट कर सकता है, जो डबल डिजिट ग्रोथ की हम बात करते हैं, 8% ग्रोथ की हम बात करते हैं, वहाँ तक का रास्ता आई थिंक इसी बजट से होकर गुजरेगा। और इसीलिए आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमने हमारे साथ जोड़ लिए हैं, जिन्होंने कई बजट्स को देखा है और साथ ही उसके इम्पैक्ट को भी देखा है, या फिर ये कह सकते हैं कि सहा भी है। हमारे साथ मिस्टर मोहनदास पाई हैं, जो कि काफ़ी समय से इंडस्ट्री के नुमाइंदे रहे हैं। हमारे साथ अदिति नायर हैं, एंड जाहिर सी बात है कि उनका जो व्यू है इकोनॉमी को लेकर वो काफ़ी सटीक रहता है। रशेश शाह हमारे साथ हैं, जो कि फिक्की के प्रेसिडेंट हैं और देश के सबसे बड़े NBFCs मेरिल वाइज के चेयरमैन हैं। सोमपाल शास्त्री जी हमारे साथ हैं, जो कि इस बार एग्री और रूरल फ्रंट पर क्या चैलेंजेस हैं सरकार के सामने, इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे साथ बहुत ही सीनियर और प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट TCS श्रीनिवास राघवन भी हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले इस बार, क्योंकि ये बजट एक ऐसा बजट है जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सरकार के सामने लेकर आया है, लेकिन उतनी ही बड़ी चैलेंजेस भी लेकर आया है, तो अभी से लेकर बजट आने तक जो जी बिजनेस की कैंपेन रहने वाली है, एक बार उसकी झांकी कर लेते हैं और फिर हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। तो ये है इस बार का जी बिजनेस का बजट कैंपेन, मोदी बूस्टर बजट 2018। जी हाँ, हम इस बजट को मोदी बूस्टर का नाम दे रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये बजट एक ऐसा बजट होगा जिस पर, विवेक, मेरे सबसे ज्यादा अगर किसी की सोच की छाप होगी तो वो होगी प्रधानमंत्री मोदी की सोच की छाप। और कहीं ना कहीं आई थिंक सरकार कोशिश करेगी ग्रामीण भारत को, किसानों को, आम आदमी को मेन इकोनॉमी के साथ जोड़ने की, उन तक आर्थिक जो विकास हो रहा है उसका फायदा पहुंचाने की। और साथ ही मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो गुजरात चुनाव के नतीजे थे उसके बाद ये संदेश भी देने की कि हमें आगे की भी चिंता है, हम सिर्फ अर्बन भारत पर फोकस करने वाली पार्टी नहीं है। जी बिल्कुल, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सोमपाल शास्त्री जी, मैं सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूँगा, बिकॉज ये जो बजट है, सभी की उम्मीद बनी हुई है कि ये बजट कहीं ना कहीं किसानों का भला करने वाला बजट होगा, रूरल इकोनॉमी पर फोकस करने वाला बजट होगा, और साथ ही आम आदमी से जुड़ा हुआ बजट होगा, और इसीलिए हम इसे मोदी बूस्टर बजट कह रहे हैं। आपका क्या विचार है?
नहीं, अभी आप कैसे मोदी बूस्टर बजट कह रहे हैं जब आपको प्रावधानों का पता नहीं है, कितने संसाधन उपलब्ध हैं और किस किस मद में कितना आवंटन किया जाएगा, तो अपनी तरफ से आपने नाम कर दिया, ये तो मुझे कोई बात उचित नहीं लगी। परंतु आशा तो उम्मीदों की बात कर रहे हैं, हम तो उम्मीदों की बात कर रहे हैं। नहीं तो आपने बूस्टर बजट कैसे कहा, उम्मीद का बजट कह सकते थे आप। मेरा ये कहना है कि 1960-61 से जब से हम दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे और मंत्री और योजना आयोग के सदस्य रहते हुए, ये वाक्य सुनते सुनते तो कान पक गए। हर एक बजट में उम्मीद रहती है परंतु निकलता कुछ नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जो सीमांत रुपया उपलब्ध होता है, दी मार्जिनल रुपी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, विच इज दी मेन फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक विकास का मुख्य कारक होता है, उसका निर्धारण प्राथमिकता का कैसे किया जाता है, आज तक कोई सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई। और पिछले 3 साल के जो क्रियाकलाप बजट के रहे इस सरकार के, उसके आधार पर तो मुझे आशा नहीं है। परंतु भारत का नागरिक होने के नाते और इस सरकार का उत्तरदायित्व समझने के नाते, और जो अभी अभी सबक मिला है जिसमें रूरल अर्बन डिवाइड की पिक्चर बहुत क्लियर होकर आई है, बड़े साफ तौर पर उभरा है दैट देयर इज एन एग्रेरियन क्राइसिस परवेसिव थ्रू द कंट्री, तो कुछ सबक इनको लेना चाहिए। और मैं आपकी उम्मीद से सहमत हूं कि उम्मीद तो रखनी चाहिए, परंतु भी इसको बूस्टर बजट नाम देने में मुझे आपत्ति है। बिल्कुल, लेकिन सर जो कोशिश थी हमारी, हम अभी से कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं या फिर जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं कि ये मोदी बूस्टर होगा। दिस इज बेसिकली द होप दैट वी होप दैट मिस्टर मोदी वॉक्स द टॉक, वी दैट ही डिलीवर्स, बिकॉज अच्छे दिन की उम्मीद अच्छी खासी बनी हुई है विवेक। जी बिल्कुल, देयरफॉर आई सेड यू शुड हैव सेड होप बूस्टर बजट, चलिए बट द बूस्टर बजट अनलेस द बजट इज आउट। चलिए चलिए चलिए, हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं ज्यादा, अरे आपने ज्यादा दुनिया देखी है हमसे, तो शायद इसीलिए ऑप्टिमिस्ट हम भी हैं, हम निराशावादी नहीं हैं। और आशा, मैंने कहा आपने दुनिया ज्यादा देखी है इसलिए आपको ज्यादा मालूम है हमसे, इसीलिए शायद आप कॉशन दे रहे हैं। लेकिन अदिति, क्या आप मानती हैं कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट बजट होगा, टाइट रोप सी वॉक होगी सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह से फिस्क जो है अब ऑलरेडी 112% पर है, खर्चा करना है, फिस्क को भी कंट्रोल में रखना है, डिफिकल्ट है? बिल्कुल, आपने पहले कहा अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, मुझे तो थोड़े चैलेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली किस तरह से फिस्कल जो प्रेशर्स हैं उनको बैलेंस किया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नवंबर तक ही 112% जो बजट एस्टिमेट था इस साल का फिस्कल डेफिसिट का, वो पार हो चुका है। और आगे आने वाले महीनों में जो 4 महीने बचे हैं उनमें हमें ये नहीं लग रहा कि काफ़ी जो अहम रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो इतना बढ़ पाएंगी कि वो शॉर्टफॉल को कवर कर लें। तो डेफिनेटली इस साल के लिए जो कंसर्न्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू साइड पे ही हैं, और सिर्फ GST से लिमिटेड नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस में भी कंसर्न है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज में भी कंसर्न है, चाहे वो डिविडेंड और प्रॉफिट हो या फिर वो टेलीकॉम के रेवेन्यूज हो। सिर्फ एक जो हमको हर साल करता है वो इस साल नहीं है, जो है डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ काफ़ी हद तक ऑलरेडी अक्रूअल्स हो चुके हैं। और हमें तो यही अब होप है कि शायद एक्चुअली बजट एस्टिमेट क्रॉस भी कर लिया जाएगा, लेकिन टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू पे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं, पर्टिकुलरली GST इनफ्लोस किस तरह से बिहेव करते हैं लास्ट के 4 महीनों में, जहाँ आई एम होपफुल कि एटलीस्ट इनिशियल मंथ्स हैं उससे एक काफ़ी बेहतर रन रेट हमें दिखना चाहिए GST कलेक्शंस का, जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होगा। और पर्टिकुलरली Q4 एक बहुत अच्छा क्वार्टर होता है टैक्स इनफ्लोस के लिए, बट ओवरऑल अभी तो जो पिक्चर पेंट हो रही है वो यही है कि रेवेन्यू साइड में शॉर्टफॉल होगी तो ज़रूर, कितनी होगी वो अभी भी हम बहुत अच्छे से असर्टन नहीं कर पा रहे हैं, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन रिलेटेड टू GST आउटलुक। अगले साल का सबसे पहले तो यही रहेगा कि किस तरह का रेवेन्यू बेस आप अज्यूम कर सकते हैं। इस साल हमने सोचा था कि डिमोनेटाइजेशन और GST के बाद डायरेक्ट टैक्सेस में भी एक अच्छा बूस्ट आएगा, कंप्लायंस बढ़ेगी, अभी तक उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे नंबर्स में नहीं दिख रहा। मीडियम टर्म में तो ये डेफिनेटली आना चाहिए, तो वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है, GST स्टेबलाइज हो जाएगा और डज होंगे, ग्रोथ का पिकअप हम इन एनी केस इकोनॉमिक ग्रोथ में पिकअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगले साल के लिए रेवेन्यू बेस को किस लेवल पे एस्टिमेट किया जा सकता है, अल्टीमेटली एक तो ये क्वेश्चन, और सेकेंडली फिस्कल डेफिसिट जो पिछले साल के बजट में भी और NK सिंह कमेटी की रिपोर्ट में भी
FY19 का 3% का टारगेट था, 3% ऑफ GDP, उसको गवर्नमेंट कितना बढ़ाने को तैयार होती है, ये दो फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे कि एक्सपेंडिचर के लिए एक्चुअली कितनी स्पेस है, और फिर ऑफ कोर्स कि वो कौन से सेक्टर में जाएगा, रेवेन्यू स्पेंडिंग में जाएगा या कैपिटल स्पेंडिंग में जाएगा, वो आगे की बात है। बिल्कुल, हमारे साथ फिक्की प्रेसिडेंट रशेश शाह भी हैं। रशेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और फिक्की प्रेसिडेंट होने के नाते आपने कई सिफारिशें की होंगी वित्त मंत्री जी। हमें ये लगता है इस बार, और इसीलिए हमारी जो थीम है वो भी मोदी बूस्टर है, क्योंकि हमें ये लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री एक बैलेंसिंग एक्ट करेंगे बिटवीन जो एक पॉलिटिशियन है प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरा जो अच्छे दिन लाना चाहते हैं उसके बीच में। यानी ये आम आदमी पर, किसानों पर, ग्रामीण भारत पर फोकस करने वाला बजट होगा। आपकी क्या राय है? एब्सोल्युटली सेम है। ये जो होगा बजट, ये ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए, इकोनॉमी को बूस्ट मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहा, एग्री है, आम आदमी है, रूरल सेक्टर है, उसको बूस्ट मिलनी चाहिए। और हमारा और एक अनुवादन है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलनी चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वो फ्रॉम प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये जो बजट है, इसमें रूरल सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, आम आदमी के लिए है। आई एम होपिंग कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। खैर, चलिए, उम्मीद तो यही है कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होगा, बट गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसी में इन्हें सभी को कैटर करना है। मोहनदास पाई जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, एंड देन श्रीनिवास जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन मोहनदास जी, इस बार चुनौती है सरकार के सामने, और अच्छी खासी चुनौती है। ऑलरेडी देर इज़ अ टॉक अबाउट फिस्कल स्लिपेज जो कि चल रहा है। गुजरात चुनाव के जो नतीजे थे, आई थिंक दे डिड हैव एन इम्पैक्ट, और टू सम एक्सटेंट सरकार भी थोड़ी इसके बाद जागी है, ग्रामीण भारत को लेकर, किसानों को लेकर, जो हमने अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान में भी सुना। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार किस तरह का टाइट रोप वॉकिंग मिस्टर जेटली करेंगे इस बजट में? चलिए मिस्टर पाई, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन संजय, आपकी क्या राय है? संजय, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सॉरी, सवाल मुझसे है जी। संजय, तो देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये बजट है, इसमें हमें सिर्फ फिस्कल डेफिसिट के नंबर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक इतना बड़ा डिसरप्टिव रिफॉर्म हुआ है टैक्स के साइड पे, उसके बाद जो भी बजट एस्टिमेट रहे होंगे टैक्स रेवेन्यूज के, वो बिल्कुल महीने दर महीने उसी हिसाब से चलते चले जाएं, ऐसा उम्मीद करना हमारे ख्याल से प्रैक्टिकल नहीं है। हमें जो चीज देखना चाहिए वो ये कि क्या सरकार की एक्सपेंडिचर की ट्रेंड इस फाइनेंशियल ईयर में इररिस्पॉन्सिबल है, या कम से कम एक्सपेंडिचर के फ्रंट पर रिस्पॉन्सिबली बिहेव की है। तो जो आंकड़े आए हैं नवंबर के अंत तक, उसमें जितना बजट एस्टिमेट था उसका करीब करीब 67% एक्सपेंडिचर हुआ है। तो अगर साल में अभी 4 महीने बाकी हैं, और जो शुरू के 8 महीने हैं उसमें अगर 2/3 खर्चा हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कम से कम बजट एस्टिमेट के अनुसार एक्सपेंडिचर विल बी इन लाइन। रही फिस्कल डेफिसिट की जो लिमिट क्रॉस हो गई है, तो ये जो कंपेरिजन किया जा रहा है 2008 से, तो 2008 में अगर रेवेन्यू डेफिसिट का आप देखेंगे आंकड़ा, तो करीब करीब 250% हो गया था बजट एस्टिमेट के, उसके कंपैरिजन में तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में कम है। तो जीएसटी की कलेक्शन अगर अगले 4 महीने में रेगुलाइज हो जाती है, तो शायद डेफिसिट का आंकड़ा जो है वो हमें उतना चिंतित करने वाला नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चैलेंज है सरकार के सामने, वो ये कि जो गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो क्या उसको इस रूप में इंटरप्रेट कर लिया जाए कि ये रिजल्ट ये दिखा रहे हैं कि सरकार को पॉपुलिस्ट हो जाना चाहिए,
तभी वो 2019 में जीतेंगे तो मेरे ख्याल से वो चिंता का विषय हो सकता है। साथ ही साथ जो कैपिटल मार्केट जिस तरह से बढ़ता गया है 2014 से लेके अब तक, उसमें अगर लिक्विडिटी का श्रेय हम मानते हैं तो हम इस बात का भी श्रेय हमको मानना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े स्केल पे हुआ है डोमेस्टिक इक्विटी में। उसको अगर हम उसमें जो कैपिटल गेन्स की जो अभी प्रावधान है उससे अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो ये मोमेंटम जो है ये टूट सकता है, और अगर ये मोमेंटम टूट जाएगा तो मुझे पता नहीं कि फिर उसको दोबारा रीबिल्ड करने में कितने महीने लग जाएंगे। तो चूंकि कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा जरिया रहा है कैपिटल रेजिंग के लिए पिछले साल में, सरकार की कंपनियों ने किया है कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ने भी रेज किया है कैपिटल, और ये कैपिटल जो है वो आगे की ग्रोथ का फाउंडेशन है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिए जिससे कैपिटल मार्केट पर बहुत बड़ा आघात हो, क्योंकि उससे हमारी जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो ट्रेंड बनी हुई है वो डिसरप्ट हो सकती है जी। तो ये मेरे ख्याल से ब्रॉड हमारी उम्मीदें होनी चाहिए। ऑफ कोर्स छोटी मोटी उम्मीदें तो बहुत लंबी लिस्ट है उसकी जी जी। टीसीए, क्या आप मानते हैं कि अगर सरकार इन हालात को देखते हुए फिस को ब्रीच कर भी दे तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी? तो इसलिए 25 साल से कह रहा हूं कि जो फिस्कल डेफिसिट पे जो एक ऑब्सेशन हो गया है इसको छोड़ रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। असली चीज ये है, अगर आप देखें पिछले 1970 से, तो इलेक्शन के प्रीवियस ईयर में जो बजट होता है सिर्फ एक पॉपुलिस्ट बजट जो है वो इलेक्शन में सक्सेसफुल हुआ है, वो था इंदिरा गांधी का 1970 बजट। जितने भी इलेक्शन के पहले साल बजट हुए हैं जिसमें निज़ाम को अपनाया गया है वो गई है, ऐसा भी नहीं कि थोड़े से, एक एक्सेप्शन था 2009 वाला जो बजट था दैट केम ऑन टॉप ऑफ द 2000 बूल, तो उसका ज़्यादा जो असर था सेपरेट करना मुश्किल है कि बजट हुआ कि वो जो 2008 मिला उसके हुआ। सो पॉइंट नंबर वन इज कि जहाँ तक मेरी मिस्टर मोदी की सोच की समझ है ये ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, नंबर वन, फिस्कल डेफिसिट की वजह से ही नहीं बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदीज बिलीव्स। दूसरी बात यह है कि जो रूरल डिस्ट्रेस की बात की जा रही है वो बजट के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं की जा सकती, इट्स अ प्राइस इशू, इनकम इशू। तो बजट में तो इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, उसमें एक्सेप्ट फॉर लोन वेवर्स की कभी कभी जब बात होती है, और लोन वेवर का तो हवाल ही नहीं है, बैंक्स का इतना बुरा हाल है, तो बजट से रूरल डिस्ट्रेस को सॉल्व करना शॉर्ट टर्म में एक साल में इलेक्शन के पहले ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आप कह रहे हैं कि बूस्टर बजट होगा, बूस्टर का क्या होता है कि इंक्रीज फिस्कल स्पेंडिंग जैसे कि 2008 और 2009 में हुआ था या उसके पहले भी हो चुका है, तो मैं मुझे नहीं लगता है उस तरह की इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी। और एक और चीज़ मत भूलिए कि ये पहला बजट होगा जीएसटी के बाद में, जो पार्ट ए और पार्ट बी होते थे पहले, पार्ट बी में सारे टैक्सेस की एक लिस्ट लग जाती थी, तो डायरेक्ट टैक्सेस में तो मिस्टर ट्रम्प ने 97 में जो तीन रेट लाए उसके बाद में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो दो पैराग्राफ में ख़त्म हो जाते हैं। अब जीएसटी की वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी वही होगा, तो पार्ट बी तो एक पेज में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अब सिर्फ पार्ट ए बचता है। तो पार्ट ए में गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के वेरियस एलोकेशंस होते हैं, अभी तक जो एलोकेशंस हुए हैं वो ये लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटेंस प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट, और बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं बट कॉम्पिटेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग इज बहुत सारी एक्सपेंडिचर्स हैं जो अब फिनेंस कमीशन के बाद में, पिछली फिनेंस कमीशन के बाद में, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करनी है, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट्स के पिछले आंकड़े देखें तो यू विल फाइंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू स्पेंड द मनी। सो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक ये जो बजट है ये एक एक्सपेंडिचर बूस्टिंग केन्जियन टाइप ऑफ बजट होगा, नॉर्मल बजट होगा। मेरी उम्मीद जो है सिर्फ एक है कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए ये जो कॉरपोरेट टैक्स रेट जो हैं जो प्रॉमिस किए थे इन्होंने 25% पे ला देंगे, अगर वहाँ पर ये ला देते हैं उसे तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पे, उसका असर इलेक्शंस पे क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, चलिए आपने जो प्रधानमंत्री मोदी की बात की ना, तो
ठीक गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की के एनुअल जनरल मीटिंग में एक भाषण दिया था और उसमें उन्होंने रिट्रेट किया था कि मोदी सरकार रिफॉर्म्स के प्रति कटिबद्ध है और इसके लिए अगर उन्हें पॉलिटिकल डैमेज सहता है या कोई कीमत चुकानी पड़ती है तो उसके लिए वे तैयार हैं। और आई थिंक ये वो बयान है जिसकी सबसे बड़ी कसौटी इस बार के बजट में हो सकती है। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। मैं सुधार इस बात का सबूत है कि बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर सरकार बड़े प्रशासनिक वितर और कानूनी कदम उठा रही है। ये सुधार इस बात का भी सबूत है कि सरकार के सोशल रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म भी अपने आप ला रहे हैं, जॉब क्रिएशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि 2022 तक देश के हर गरीब को उसका अपना घर होना चाहिए और इसके लिए गांवों में शहरों में लाखों घरों का निर्माण किया जा रहा है। इन घरों को बनाने के लिए मैन पावर तो स्थानीय स्तर पर ही जुटाई जा रही है। घरों के निर्माण में जो सामान लग रहा है वो भी तो स्थानीय बाजार से ही आ रहा है। ऐसे ही देश में गैस पाइपलाइन बिछाने का बहुत बड़ा कर रहा है, उससे कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। जिन शहरों में सीएनजी पहुंच रही है वहां पर एक नया जॉब मार्केट में एक नया इकोसिस्टम भी आज डेवलप हो रहा है। भाई और बहनों, हम ही देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अगर कार्य करेंगे तभी लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। खैर, हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ वोखार्ट के फाउंडिंग चेयरमैन हबील खुराकी वाला जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। हबील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड आपको एक फ्लाइट लेनी थी लेकिन फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इसके लिए। इस बार सर आपकी बजट से उम्मीद क्या है? बिकॉज देर आर टू व्यूज जो अब तक के डिस्कशन में बाहर आए हैं। एक तो ये है कि एक नॉर्मल बजट होगा, सरकार के पास ज्यादा रूम नहीं है एक्सपेंडिचर के लिए, तो उस वजह से इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले कदम कम होंगे। दूसरा व्यू ये है कि क्योंकि गुजरात इलेक्शंस में एक चीज बड़ी साफ हुई है दैट देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द रिफॉर्म्स और जो रूरल इंडिया सोचता है या फिर फार्मर्स सोचते हैं, एंड दैट इज अ पेन पॉइंट फॉर बीजेपी। आपको क्या लगता है बजट में क्या होगा? मेरे ख्याल से सरप्राइज बजट होगा क्योंकि ये लास्ट बजट है ये गवर्नमेंट का, और दूसरा मोदी साहब ने है और उसका वही है कि वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएटली नहीं देखते हैं मगर वो सच क्या है वो ही करते हैं। तो वी एक्सपेक्ट टू थिंग्स, वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट विल बी देयर एंड सेकेंड आई थिंक द सोशल सेक्टर्स of various aspects of social sector will be strengthened. खुराकीवाला साहब, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि इस बार कॉर्पोरेट टैक्स के जो रेट हैं वो कट सकते हैं जो सरकार की पहली कमिटमेंट रह चुकी है? मेरे ख्याल से जरूरी है तो करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड ही वैसा ही है। अमेरिका में, यूएसए में कॉर्पोरेट टैक्स कम होकर 21% हुआ है 35% से। यूके में आज 18-19% टैक्स है, वो बाय 2020 विल बिकम 17%। सो इफ इंडिया हैज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, इफ यू हैव टू गेट द इन्वेस्टमेंट फॉर आर ग्रोथ, हाई जीडीपी ग्रोथ, we need to stimulate both the Indian corporate sector
and also invite foreign investment into India. And that is the only way India will remain competitive, and it is a good time to look at the corporate tax reduction. It might have limited impact as far as the government finances are concerned. जैसे घोराकीवाला, क्विकली एक जो खबर हमारे पास आई थी एक्सक्लूसिव, वो ये भी थी कि सरकार ने कमिट तो कर दिया है कि कॉर्पोरेट टैक्स में वो कितनी कटौती करेंगे, लेकिन और उम्मीद ये थी दैट एवरी ईयर इट विल बी रिड्यूस्ड एटलीस्ट बाय 125 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन क्योंकि इस साल रेवेन्यू पर ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर है तो हो सकता है कि वो जो क्वांटम है कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का जो कि प्री कमिटेड है उसको थोड़ा घटाया जाए, यानी कम तो होगा कॉर्पोरेट टैक्स लेकिन शायद उतना नहीं होगा जितना आइडियली होना चाहिए इफ दे वांट टू रीच 25% जो कि उन्होंने खुद कमिट किया हुआ है। क्या इसके लिए इंडस्ट्री तैयार है क्या? इंडस्ट्री तो रिस्पॉन्ड करती है, रिएक्ट करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज को, सो इट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट what they should do to stimulate the economy and make Made in India a success. All right, चलिए हबील जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है बजट के दिन भी हम आपसे जुड़ेंगे और आपकी राय जानेंगे बजट पर। लेकिन सोमपाल जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, ये जो सरकार का खुद का कमिटमेंट है फार्मर्स की इनकम को डबल करना 2022 तक, हाउसिंग फॉर ऑल, अब ये सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसे लेकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट विल हैव टू वॉक द टॉक, एंड व्हेन इट कम्स टू मिस्टर मोदी तो उनसे एक्सपेक्टेशन का बिल्डअप वैसे ही इतना हो जाता है कि ये सारी चीजें विल ट्रिकल डाउन टू बजट। तो मैं एग्री स्पेस से शुरुआत करता हूँ, आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है वाकई अगर फार्मर्स की इनकम डबल करनी हो तो, और इस बार के बजट में क्या वो हो सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक हम इनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो चार चीजें महत्वपूर्ण कही थी जब ये चुनाव लड़ रहे थे, उसमें एक तो स्वामीनाथन आयोग की ये सिफारिश थी कि CACP जो खेती की लागत का आकलन करता है उसके ऊपर 50% जोड़कर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा ये कहा था कि सिंचाई का विस्तार, क्योंकि 60% खेती भारत की पिछले 45 साल से 60% पर ही वो रुकी हुई है, मैं दोबारा जोर देकर कहना चाहता हूँ, बिना सिंचाई के है, वर्षा पर आधारित है, जहाँ उत्पादकता 1.2 टन है जबकि सिंचित क्षेत्र में औसत 4 से ऊपर पहुँच गया है। तीसरी बात ये कही थी कि कृषि विपणन की व्यवस्था, जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, उसको सुधारा जाएगा और उसमें किसानों को दाम अच्छे मिलेंगे। चौथी बात ये कही थी कि किसानों को प्राकृतिक आपदा या दूसरे कारणों से जो हानि हो जाती है उसकी क्षतिपूर्ति का पक्का प्रबंध होगा। इन चारों बातों में से मोदी सरकार किसी बात के ऊपर भी खरी नहीं उतरी है। इस बात को देखते हुए मुझे नहीं लगता 1922 का जो नारा दिया जा रहा है दोगुनी इनकम करने का, पिछले 3-4 वर्षों में अगर आप आकलन करें तो मैंने आंकड़ा एकत्रित करने वाली एजेंसीज और सरकार से भी बात की है, 30-40% क्रय शक्ति ग्रामीण क्षेत्र की जो खेती पर आधारित है वो कम हुई है पिछले 3 सालों में। अगर अब से हमने उसको दोगुना कर भी दिया तो हम उस पर पहुंचेंगे जहां 2013 में थे। तो ये अभी थोथा नारा है, अगर इसको करना है तो इन चारों दिशाओं में ठोस कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। और सिंचाई का एक दीर्घकालीन मामला है, परंतु बजट में जहां बजट के आवंटन होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय ये भी जुड़ा हुआ है पिछले 20-30 साल से कि कुछ आर्थिक स्रोत हैं, तो उसमें सबसे मोटी बात है कि कृषि की विपणन व्यवस्था में, मार्केटिंग के सिस्टम में सुधार करने में किसी बजट की आवश्यकता नहीं है। और उसका अक्सर ये तर्क दे दिया जाता है कि ये काम राज्य सरकारों का है, पर आज जब 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो कौन इस बात को मानने को तैयार होगा कि ऊपर से हाईकमान का निर्देश और कोई राज्य सरकार उसको नकार दे। तो ये थोती बातें क्यों, अगर करना है तो ये चार बातें करें। वैसे तो इसके और बहुत पक्ष और आयाम भी हैं, आशा आप मेरी बात से सहमत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अदिति, दोनों संजय ने भी कहा और TCA ने भी कहा कि ये जो हम ऑब्सेशन
कर रहे हैं फिस्क डेफिसिट के साथ, फिस्कल डेफिसिट के साथ, क्या आप सहमत हैं उनसे? और अगर ये फिस्क का जो है ये ब्रीच हो गया तो आप किस तरह का रिएक्शन देखती हैं उन्हीं मूडी से जिनको अभी हम सेलिब्रेट कर रहे थे उनके अपग्रेड को? देखिए, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस साल तो ब्रीच आई थिंक होगा ही होगा. आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बाय हाउ मच, विच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू असेस नाउ, कि कितनी हद तक जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसमें एक स्लिपेज आएगी. पिछले हफ्ते जो हमने देखा बोरोइंग जो इंक्रीज करी गई है वो, प्लस नवंबर का जो फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड आया है, प्लस जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन नवंबर में भी थोड़ी डिसअपॉइंट करी है, आई थिंक अगर हम ये सब इकट्ठे ले लें तो अब जैसे मैंने कहा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच नॉट इफ फॉर द फिस्कल स्लिपेज. अगले के लिए मुझे नहीं लगता कि 3% का जो टारगेट पहले बोला गया था वो सरकार उस पर ही अपने बजट में वापस इंक्लूड करेगी. मेरे हिसाब से तो अगले साल भी 3% के ऊपर ही फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो रखा जाएगा. अब वो ऑब्सेशन आपको कहना है तो कह लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली बोरोइंग तो करनी पड़ेगी मार्केट से, और जो बॉन्ड डील्स हैं वो ऑलरेडी इतना ऊपर चढ़ गई हैं और दैट इज अ रियलिटी. उस पर जितना आप बोरोइंग करेंगे उतनी यील्ड्स बढ़ेंगी और उतना ही आपको इंटरेस्ट बाद में देना पड़ेगा. इंसिडेंटली इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रिसीट्स का जो रेशियो है वो इंडिया का बाकी पेयर इकोनॉमी से बहुत ही ज़्यादा हाई है. तो ये स्ट्रक्चरली अगर हम फैक्टर्स देखें, फिस्कल फैक्टर्स और बाकी भी फैक्टर्स जो रेटिंग को कंस्ट्रेन करते हैं, तो ओवरऑल फिस्कल डेफिनेटली एक वीकनेस इंडिया के लिए है. और उसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स टू जीडीपी का रेशियो कम होना और इंटरेस्ट पेमेंट्स टू रेवेन्यू रिसीट्स का रेशियो बहुत ही हाई होना, ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल बहुत आसानी से चेंज नहीं किए जा सकते. तो जितना बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी उतना इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन जो है और बढ़ता जाएगा और वो बाकी फिस्कल स्पेस कंस्ट्रेन करेगा. तो आई थिंक ये हम इग्नोर तो नहीं कर सकते इन फैक्टर्स को. बाकी 3% हो या 3.2% हो, मतलब आई डोंट थिंक कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट 2008-09 की तरह डबल कर दिया जाएगा. जो एफडी टू जीडीपी का रेशियो है इतना ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं. 20-30 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे की अगर बात है तो उसमें कितना बूस्टर हो इकोनॉमी के लिए. ओवरऑल मेरे हिसाब से फर्स्ट हमको यही देखना है कि रेवेन्यूज़ का क्या एक्यूरेट प्रोजेक्शन किया जा सकता है अगले साल के लिए, फिर कितनी स्पेस एक्सपेंडिचर के लिए है और क्या स्पेस रियली है कि आप एक और शॉक दे पाए रेवेन्यू साइड को कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके. जब तक जीएसटी कलेक्शन स्टेबलाइज नहीं होती आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स रेट को ऑल्टर करना मुश्किल ही रहेगा गवर्नमेंट के लिए. बिल्कुल. मोहनदास भाई भी हमारे साथ हैं. मोहनदास जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. आई होप यू कैन हियर मी. सर, इस बार अब तक आपने जो डिस्कशन सुना, सो यू नो इट्स अ डिवाइडेड हाउस. कुछ लोग मान रहे हैं कि उम्मीद है, काफ़ी कुछ स्कोप है इस बजट को गेम चेंजर साबित करने का, जैसे मिस्टर हाबिल खुराकी वाला ने अभी अभी कहा कि एक सरप्राइज होगा. देन देर इज़ अ व्यू कि सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, देर आर रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स. आपका व्यू क्या है? जो पेंडिंग इश्यूज है उत्तर के लिए, बूस्टर चाहिए 25% कॉर्पोरेट रेट. सरकार ने रोड मैप दिया है और पिछले साल कहा था कि जो 50 करोड़ के अंदर छोटे कंपनी है उनको मिल जाएगा, ये साल सबको मिलना है. मैं समझता हूं कि ये सरकार करेगी. और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ खर्च कर रहे वो करेंगे. और फार्मिंग सेक्टर में जो करना है, पानी के लिए इरिगेशन के लिए ज्यादा होगा और रूरल इंश्योरेंस के लिए ज्यादा होगा. है सरकार को चाहिए. और उसके मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि जो सभी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिया था 3-4 साल पहले, वो उनको पैसा देकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उनका इंपैक्ट इकोनॉमी पर होना है 2019 इलेक्शन के लिए. मैं समझता हूं कि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पिछले साल से करीब 1-1.5 लाख करोड़ होगा. वो जब नॉर्मल ग्रोन होगा कि इकोनॉमी अगले साल 12% चलेगा, 8% रियल टर्म, 4% इंफ्लेशन, तो रेवेन्यूज भी 12% या 13% आगे चलेगा. मैं समझता हूं कि जीएसटी का जो बेनिफिट है अगले साल मिलेगा. ये साल कुछ मुश्किल है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. अगले साल मिलेगा तो मैं समझता हूं कि स्पेंडिंग टारगेटेड होगा.
और इकोनॉमी को जो चाहिए, रूरल एरिया में इन्वेस्टमेंट चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को 25% टैक्स चाहिए, और ये सब हो जाएगा तो खुश रहेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि सभी खुश हो। हमारे साथ रशेश भी बने हुए हैं। रशेश, सरकार के सामने रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर चुनौती तो है, जैसे मोहनदास जी ने भी कहा कि जीएसटी का इम्पैक्ट अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, पर जो देखा गया है वो ये है कि जीएसटी रेवेन्यू जो है वो भी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं रहा है। तो वाकई सरकार के पास कितना रूम होगा दैट दे कैन स्पेंड देयर वे आउट ऑफ द सो कॉल्ड स्लो डाउन इन सर्टन सेक्टर और बूस्ट करे पूरी इकोनॉमी को? ये हमारा तो ये मानना है कि खर्चा कम करने ये साल खर्चा कम करना अच्छा नहीं होगा। इकोनॉमी जस्ट यू नो रिकवर हो रही है, सब स्टेबलाइज हो रहा है, तो अभी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बूस्ट आनी चाहिए रादर देन थोड़ा खर्चा कम होके रोल बैक होए, कंस्ट्रेंट हो जाए, वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये खर्चा करने के लिए अगर आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी स्कोप कम है। तो अगर खर्चा भी करना है और टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज नहीं करनी है तो गवर्नमेंट के पास आमदनी कहाँ से आएगी? और ये हो सकता है आएगी फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो हम कहते हैं नॉन रेवेन्यू, ये जो ऑक्शन होते हैं स्पेक्ट्रम के, माइनिंग के, उससे पैसा आता है, डिस इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, और गवर्नमेंट के पास बहुत एसेट्स है। अगर वो एसेट्स अगर मोनेटाइज हो जाते हैं तो एक तो वो एसेट्स प्रोडक्टिविटी भी यूज होंगे और गवर्नमेंट की आमदनी भी हो जाएगी। सज्जय, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की तो बात की, इसके अलावा ऐसी एक या दो चीजें जो बाजार चिंतित है लेकर और नहीं देखना चाहेगा इस बजट में? तो देखिए, इसके अलावा जो बाजार को डर है वो इस बात का है कि कहीं ऐसे प्रावधान इस बजट में ना आ जाएं जो कि जिसको पोस्ट या रूप में देखा जाए। तो ये बड़ा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है। मुझे लगता है कि देखिए होगा क्या कि बजट प्रस्तुत होगा 1 फरवरी को, जबकि साल के 2 महीने बाकी रहेंगे फॉर द फुल फाइनेंसेस का हिसाब किताब रखने का। तो ये संभव है कि जो बजट की जो स्पीच होगी वो कॉस्मेटिकली शायद हमें ज़्यादा अपील करे, और जब फाइनल आंकड़े आने शुरू होंगे अप्रैल मई में तो शायद पूरा इंपैक्ट हमको पता चलेगा। उसी संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि जो ये चर्चा हुई थी कि क्या कॉर्पोरेट टैक्स को 25% तक लाया जाएगा या एक बीच का लेवल पे सरकार उसको छोड़ देगी, मेरे ख्याल से अगर सरकार बीच के लेवल पे छोड़ देगी तो बाजार के लिए नेगेटिव होगा। अगर काटना है तो उनको पूरी 25% तक इसी बजट में काट देना चाहिए, वो बहुत बड़ा बूस्टर के रूप में देखा जाएगा बाजार को के द्वारा। और दूसरी जो है, जो कि शायद बजट से उतनी संबंधित नहीं है, वो ये है कि देखिए जो ब्लॉकबस्टर स्टेप्स ले रही है सरकार वो बजट में नहीं लिए जा रहे हैं, वो बजट के बाहर लिए जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन वाज अ ब्लॉकबस्टर, वो बजट के बाहर, जीएसटी बजट के बाहर, और अब तो चूंकि जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया है तो एक्साइज का जो पूरा चैप्टर है वो तो खत्म हो गया। तो जो हम पहले बजट स्पीच के बाद हम देखते थे कि कुछ कुछ सेक्टर चल पड़ते थे, कुछ कुछ सेक्टर गिर जाते थे, इस तरह की जो हलचल होती है सेक्टोरल बाजार में बजट के बाद, मेरे ख्याल से इस बजट के बाद ये नहीं होगी। एक जो बड़ी चैलेंज है और जिस पर बात बड़ी कम होती है, बट एंड ऑफ द डे 2019 में जब वोट लेने जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के पास, तो उन्हें इसका शायद जवाब देना पड़े, वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। और ये तभी हो सकता है व्हेन द इकोनॉमी इज बूमिंग या फिर एटलीस्ट अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा हो। अभी तक हमने देखा है लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ जो है वो थोड़ा जॉबलेस रहा है ग्रोथ। क्या कुछ ऐसे कदम संभव हैं इस बजट में जिसका रोड मैप आए, जिससे एटलीस्ट एक होप दिखे, एक रोड मैप दिखे अबाउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ जॉब क्रिएशन? अगर आप पिछले 2.5 साल से 2 साल से मिस्टर मोदी जी भी के अमित शाह वगैरह की बात सुन रहे हैं तो आप देखेंगे कि दे हैव नॉट बीन रेफरिंग टू जॉब्स, दे हैव बीन रेफरिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसकी एक वजह है और वजह यह है कि आज की तारीख में जॉब्स मतलब 35-37 साल के लिए आपको इनकम मिलती रहे हर महीने एक तारीख को,
वो प्रॉस्पेक्ट अब खा गया है 21st सेंचुरी में. सो फोकस हैज टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब्स टू इनकम, कि आप साल में कितना पैसा कमाते हैं, 3 महीने में कमाएं या 12 महीने में कमाएं, वो इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो अगर आप शिफ्ट करते हैं फोकस जॉब से और एम्प्लॉयमेंट से टू वर्क एंड इनकम, उसमें आपको देखने मिलेगा कि जो अभी स्पेंडिंग में इंक्रीज दिख रही है, जो थोड़े थोड़े आसार दिख रहे हैं ग्रोथ के, ये इसी वजह से हो रहा है कि दी गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं. इनकम टैक्स के लैंग्वेज में बोलूं तो ज़्यादातर लोग फॉर्म से भी ज़्यादातर लोग फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के बीच में, तो फॉर्म 16A में थे. अब जो फोकस होगा वो फॉर्म 16A पे होगा एंड नॉट ऑन फॉर्म 16, क्योंकि एक ग्लोबली, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जिसको गिग इकोनॉमी कहते हैं अमेरिका में, ग्लोबली द ट्रेंड इज नॉट टू गारंटी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट. ये एक 20th सेंचुरी के एबरेशन कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ये अब ख़त्म हो गई है. और अगर आप देखें तो जो प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की या एम्प्लॉई की या वर्कर की, वो फुल एम्प्लॉयमेंट में कम होती है. जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है तब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है. प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि एवरी रुपी दैट इज़ इन्वेस्टमेंट दैट गिव्स यू अ हायर रिटर्न. तो मेरे ख्याल से इवन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह एंड अदर्स दे हैव स्टॉप टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट. आप देखिए हर स्पीच में देखिए वो क्या कहते हैं. तो बजट से ठीक है, थोड़ा बहुत पब्लिक स्पेंडिंग कर लिया, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं रोड वोड बना दिए, ये कर दिया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. एंड फाइनली अभी एक लेबर लेजिस्लेशन आने वाला है जिसमें एम्प्लॉयमेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोजेक्ट. इसका मतलब है किसी कंपनी ने रोड बनाना है तो जब रोड बन जाएगा जो आदमी वहाँ पे वो एम्प्लॉय हुए थे वो कंपनी में अब्सॉर्ब नहीं होंगे. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बट इसमें कुछ वर्डिंग में कुछ फर्क है. तो इसलिए आई वुड नॉट वरी अबाउट एम्फोसिस ऑन जॉब्स इन दिस बजट. इट विल बी ऑन वर्क, इट विल बी ऑन एम्प्लॉय इनकम, एंड इट विल बी ऑन हाउ टू इंक्रीज पीपल्स स्पेंडिंग पावर फॉर द ईयर रादर देन इन अ रेगुलर मंथली बेसिस. बिल्कुल. चलिए इस बीच हमारे साथ और एक खास मेहमान जुड़े हैं, अशोक लवासा जी हमारे साथ जुड़े हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में. आए जो बजट का कैंपेन होगा जी बिजनेस का, उससे पर्दा उठाया है और जाहिर सी बात है इसे एक उम्मीद है कि ये एक मोदी बूस्टर बजट होगा, ये उम्मीद है, देश की जनता ये चाहती है. इंडस्ट्री का सेंटिमेंट जो है वो भी कुछ चीज़ों को लेकर फिलहाल हल्का सा नकारात्मक है और उम्मीद है कि ये बजट ग्रोथ को और रफ्तार देने वाला बजट होगा. ऐसे क्या कदम सरकार उठा सकती है? इस बार जो बजट बनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो भारत के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और जितने भी आकलन हुए हैं उसमें ये माना गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अभी बहुत पोटेंशियल है इसको ग्रो करने का और इसकी ग्रोथ रेट को बढ़ाने का. सरकार ने भी बहुत कोशिश की है कि जो सरकारी खर्चे हैं उससे इकोनॉमी को कितना बूस्ट दिया जा सकता है वो सरकार ने दिए हैं. ऐसा इस साल आप देखें और पिछले साल भी 7th Pay Commission को लागू किया, तो 7th Pay Commission के लागू होने से जितने लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनकी आय में इजाफा हुआ. अब जाहिर है कि ये सब खर्चा बढ़ेगा, इस तरह से जो अलाउंसेस है वो बढ़ गए, HRA बढ़ गया, तो लोगों के हाथ में पैसा खर्च करने के लिए ज़्यादा आया. लेकिन एक जो इस वक्त समस्या महसूस की जा रही है या एक तरह की एक कमी महसूस की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा में अपेक्षित है या जिस मात्रा में भारत जैसी इकोनॉमी में होना चाहिए. उसको बढ़ावा देने मैं समझता हूं कि कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है.
बिल्कुल, चलिए खैर ये तो बस एक शुरुआत है, लेकिन अब से लेकर बजट पेश होने तक हम लगातार मुआयना करेंगे, देश के कोने कोने तक जाएंगे और हर पहलू से और देश के हर नागरिक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बजट उनके लिए क्या उम्मीद लेकर आता है और क्या उनकी उम्मीदें हैं इस बार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली से। संजय सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिस्टर पाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रसेश आपका, TCA जी, सोमपाल शास्त्री जी और लवासा जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या खरे अर्थ में ये बजट मोदी बूस्टर साबित होगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा जी बिजनेस के साथ, क्योंकि अब से लेकर बजट हमारी नॉन स्टॉप 360 डिग्री कवरेज शुरू हो चुकी है और जारी रहेगी। नमस्कार।